जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सिवान न्यूज़ में। बता दें कि प्राइड इंडियन सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आज सिवान शहर में सड़कों पर उतरकर युवाओं ने लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया। इस दौरान शहर के पूर्व ट्रैफिक इंचार्ज शाहजहां खान के साथ प्राइड इंडियन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के दर्जनों सदस्यों ने सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए उसको लेकर लोगों को जागरूक किया। सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में सड़क पर चलने के नियमों से भी लोगों को अवगत कराया गया। शहर के अस्पताल रोड से लेकर बबुनिया मोड़ तक करीब 2 घंटे तक चले इस जागरूकता अभियान को लोगों ने खूब सराहा और सैकड़ों लोगों ने आगे से बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनने की शौक गंद भी खाई। फिलहाल बने रहिए खबरों के साथ, आगे आइए क्या कुछ कहते हैं युवा और इस तरह के जागरूकता सिवान में कितनी जरूरत है, आइए युवाओं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन ये था कि आज भी एक ऐसा सोशल वर्क किया जाए जिसके वजह से एक ऐसा मतलब हैजर्ड्स से दुनिया लड़ रही है, जिस हैजर्ड से डेली कुछ ना कुछ फैटलिटी होते रहता है, सीरियस इंजरी होता है, फ्रैक्चर वगैरह होता है। तो इस पे इनका ये कंसिडरेशन था कि कैसे हम लोग अपने समाज में, कैसे अपने सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाएं सेफ्टी को लेकर, क्योंकि सबको पता है कि सेफ्टी सबके लिए नेसेसरी है और सेफ्टी लेना भी बहुत नेसेसरी होता है। क्योंकि आप कभी भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डेली यूज में भी आप अपने सेफ्टी का जो भी कंट्रोल मेजर है या फिर जो भी प्रिकॉशन है उसको एडॉप्ट करना नेसेसरी है। तो आज हम लोग रोड सेफ्टी का एक वो कंपेनिंग स्टार्ट किए हैं इनके नेतृत्व में, रफीक भैया के नेतृत्व में आज रोड सेफ्टी का एक कंपेन चलेगा जिसमें सभी बाइकर्स को, सभी ड्राइवर्स को, सभी पायलट्स को ये चीज बताया जाएगा कि हाउ टू सेव ड्राइव, कैसे आपको ड्राइव सेव करना है और हाउ टू सेव लाइफ, कैसे मतलब कि लाइफ को सेव करना है। बहुत लोग होते हैं जब बाइक चलाते हैं तो उस दौरान फोन पे बात करना है, इस चीज को अवॉइड करना है, जैसे कि आप रॉन्ग साइड में चले जाते हैं, दूसरे को भी दिक्कत आता है और कहीं ना कहीं कोलिजन वगैरह बढ़ जाता है। तो इस सब चीज को क्या करना है अवॉइड करके, और हम लोग बताएंगे कि कैसे इस चीज को अवॉइड करना है। आज देश में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी प्राउड इंडियन सोशल वेलफेयर की तरफ से एक बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि रोड सुरक्षा से संबंधित है, और ये जो तमाम प्रोग्राम हुआ है जो सिवान में आए दिन हादसे हो रहे हैं, ट्रक से, कार से, बाइक से जो लोगों की मौतें हो रही है, बेमौत मारे जा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही है, घर के जवानों की शहादत हो रही है, मौत हो जा रही है, इसको लेकर एक छोटी सी कोशिश प्राउड इंडियन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से, सिवान के जो युवा आपको दिखाई दे रहे हैं इनके तरफ से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सिवान में ट्रैफिक को लेकर लगातार जिनको हम लोगों ने देखा कि कितनी मेहनत से सिवान के ट्रैफिक के लिए मेहनत करते हैं, शाहजहां खान साहब जो कि सिवान ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहे हैं, इनसे मुतासिर भी होकर हम लोगों ने इस काम की शुरुआत करी है। तो मैं चाहूंगा कि शाहजहां खान साहब अपनी तरफ से कुछ बातों को रखें, बोले, ताकि हम लोग और जोश और उत्साह से इस काम को कर सकें। सबसे पहले तो प्राउड इंडिया सोशल एंड वेलफेयर कमेटी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और इस अच्छे काम के लिए जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। आज के डेट में कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हालात ऐसा हो गया है कि हमारा बच्चा कोचिंग जा रहा है, सही वापस आएगा कि नहीं, हर आदमी को एक संदेह बना रहता है। और हम तो सिवान से रिटायर हो गए हैं, लेकिन आप लोग का मोहब्बत हमको यहाँ लाया, और हम यही चाहेंगे पूरे सिवान वासियों से हमारा अनुरोध रहेगा कि हम कहीं भी रहे तो हमारे कानून तक ये आवाज नहीं जाए कि सिवान में बाईपास में फलाना जगह मोटरसाइकिल से बच्चा जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, कैजुअल्टी हो गया। सही पूछिए, नौकरी होता ही है, लेकिन बड़ी तकलीफ गुजरेगा जब हम ये बात सुनेंगे। तो हम खास करके बच्चों से गुजारिश करेंगे कि आप घर से